झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव किया गया है। आरजेडी की राष्ट्रीय कमेटी के निर्वाचन पदाधिकारी और सह निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय नेतृत्व के लिए निर्देशानुसार दोबारा अभय कुमार सिंह की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषणा किया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद अभय कुमार सिंह ने आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिस पुराने तेवर के लिए जाना जाता था, उसी पुराने तेवर पर झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपना परचम लहराएगी। देखिए, जब से मैं अध्यक्ष बना और तब से लगातार मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। विगत दिनों में हम लोगों के चुनाव भी आ गए और 7 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिले, और मेरा जो मानना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और महागठबंधन की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल जो है अग्रणी भूमिका निभाएगी। 7 सीट हम लोग को मिले हैं और जो हम लोगों ने सीटों का जो दौरा किया है और दौरा करने के फलस्वरूप जो हम लोगों को जो जानकारियां प्राप्त की है, उससे यही प्रतीत होता है कि हम लोग 7 के 7 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।